जदों सूरज सवेरे चढ़न लगता तां मैं सैर नूं जांदा सी ते उत्थे झील दे सामने एक बेंच ते बैठ कुदरत दे नजारे नूं मानन दी कोशिश करदा सी। हालांकि मैं पूरी तरह ओ देख नहीं सकता पर मैं महसूस कर सकता सी। जदों मैं तकरीबन 6 साल दा सी तां मैं एक बेंच ते चढ़न दी कोशिश कर रहा सी। आ कोई सियानी गल ते नहीं सी पर इस दौरान हादसे कर मेरी अखां तो दिखना काफी मुश्किल हो गया। पहला तो मैं बहुत ज्यादा नहीं सोचता सी ते मैं अपने आप नूं अपने दादा जी वर्गा एक सिपाही बनना चाहुंदा सी। मैं एक देशभक्त सी, भावें थोड़ी जही नैशनल एंथम दी आवाज मेरे कन्नां विच पै जावे तां सत्कारयोग मैं अपने कमरे विच डट के खड़ा हो जांदा सी। मैं दिलों चाहता सी कि मैं भी किसी भी तरह समाज ते लोकां दी सेवा कर सकां, पर जो भी होंदा है उस रब दी रजा नाल ही होंदा है। मैं चाहता सी कि घर दे नेड़े मैं किसी तरह कुछ चैरिटी जा कोई वॉलंटियर काम कर सका। देखो हर चीज का कोई ना कोई कारण होता है, हर चीज किसी ना किसी कर होती है। यह कोई जरूरी नहीं जो तुसी बाहरों दिसते हो तुसी अंदर भी वही हो। जाहिर है बाहरला दिखन वाला एक अलग ही नजारा होता है, अलग ही चीज होती है। घर दे विच या पिछले वेड़े विच वो आनंद नहीं है जो तुहानू पार्क विच जां एक कुदरत दे नजारे विच मिलता है। देखिया बाहर आन दा किन्ना फायदा है। जे मैं कुछ चंगा काम कीता सी तां मैनू उसदा फल भी ते मिल गया। कि ये घर बैठ के हो सकता सी? पिताजी तुसी इत्थे की कर रहे हो? तुहानू मैं कहा सी ना कि मैं तुहानू बॉन स्ट्रीट तो पिक करांगी ते तुसी इत्थे की कर रहे हो? I'm sorry, मैं I was helping him, मैं नदी मदद कर रहा सी जी। वैसे तुहानू कुछ नहीं पता, तुसी चुप रहो। तुहानू पता है तुहानू चंगी तरह नजर भी नहीं आंदा ते ये लाठी तुहाडे किन्नी क देर साथ देलेगी। मैं जॉब तो थकी आई हां, मैं बहुत ज्यादा थकी हुई हां, चलो घरे चलो। जिन्ना मर्जी कहंदे रहन पर उन्हां नूं लगदा कि मैं उन्हां दी नहीं सुनदा, पर ओ भी केड़ी मेरी सुनदे ने। जदों भी मैं कुछ करां हर वारी ओ समझदे ने कि मेरे कोलों कुछ खतरनाक काम हो गया। फिर गुस्से विच आ जांदे ने, फिर आपे ठंडे हो जांदे। पर उना दे अल्फाज मैनू बड़े चुभदे। ओ ता मैनू कहंदे कि कुछ ना करो, पर मैं ता कर सकता हां ना।
मेरी बेटी एकम मेरी अखां नूं लै के बहुत सोचदी सी, परेशान रहिंदी सी, पर हुण उन्ना नहीं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ 15 ਮਿੰਟ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਹਨੂੰ? ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ? ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੰਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। मैं ता अपनी बेटी दी तरक्की देखना चाहता हाँ, ना कि सिर्फ हाउसवाइफ दी तरह देखना चाहता हाँ। मैं ता उन्हां दी मदद करना चाहता हाँ। जिस तरह लोग की कहंदे ने चैरिटी स्टार्ट्स फ्रॉम होम, जिस तरह मैं कहा कि मैं अपने वालों कोशिश करता रहा, मैं अपने आप ते हैरान हां कि ऐसी की गलती कर दीती अपनी बेटी दे पालन विच, कि मेरी कोई गलती सी जहां मेरी बिगड़ी सेहत वो संभाल नहीं सकती सी। मेरी डिगदी उम्र ने मैनु एक बच्चा ही बना दिता। जिंदगी एक कविता दे समान हो जाती है ते गांधी है, त्वाड़ा पविक, त्वाड़ा पविक।